कोरोना संक्रमण के नाम पर भारतीय रेलवे ने बुजुर्गों को टिकट बुकिंग पर मिलने वाली रियायत पर रोक लगा रखी है। एक आरटीआई के जवाब में रेलवे ने बताया कि मार्च 2020 से करीब 4 करोड़ बुजुर्गों ने रेलवे में पूरा किराया देकर सफर किया। मार्च के अंत से ही भारत में कोविड लॉकडाउन के कारण आम ट्रेन सेवा को स्थगित कर दिया गया था। इसके बदले कुछ स्पेशल ट्रेनें जैसे श्रमिक स्पेशल चलाई जा रही थी। मध्य प्रदेश के एक आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर की दायर एक आरटीआई में पता चला कि 22 मार्च से सितंबर 2021 तक 3,78,50,668 बुजुर्गों ने ट्रेन में सफर किया। भारतीय रेलवे 53 वर्गों के तहत छात्र, मेडिकल प्रोफेशनल और वरिष्ठ नागरिक आदि को किराए में छूट देता है। वरिष्ठ नागरिकों में भी महिलाओं को किराए पर 50% और पुरुषों को 40% छूट का प्रावधान है। हालांकि मौजूदा समय में रेलवे ने सिर्फ छात्रों और मेडिकल फील्ड से आने वाले लोगों के लिए ये सुविधा जारी रखी है, जिसका मतलब है कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा यानी वरिष्ठ नागरिक पूरे किराए पर यात्रा करने को मजबूर हैं। रेलवे अधिकारियों की माने तो नागरिकों को मिलने वाली छूट पर रोक लगाई गई है ताकि लोग गैर जरूरी यात्रा से बचे। हालांकि आलोचकों का कहना है कि रेलवे ने कोविड की आड़ में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली एक अहम सुविधा को खत्म कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उम्रदराज लोगों को किराए पर छूट हमेशा से बहस का मुद्दा रही है। कई कमेटियों ने रेलवे को सुझाव दिया था कि उसे वरिष्ठ नागरिकों की इस सेवा को रद्द कर देना चाहिए। रेलवे ने थक्कर जुलाई 2017 में गिव इट अप नाम की योजना शुरू की थी। इसमें ऐसे नागरिकों के लिए किराए पर छूट प्राप्त करने का विकल्प दिया गया था, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के पास छूट का 50% या फिर 100% हिस्सा छोड़ने का ऑप्शन था। हालांकि इस योजना पर आई कैग की रिपोर्ट रेलवे के लिए हताश करने वाली थी, क्योंकि करोड़ों की संख्या में सफर करने वाले बुजुर्गों में से सिर्फ कुछ लाख ने ही स्कीम के तहत किराए पर छूट की सेवा आंशिक या पूरे तौर पर छोड़ी थी। कैग की 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 4.41 करोड़ बुजुर्ग यात्रियों में से सिर्फ 1.7% यानी 7.53 लाख ने किराए पर मिलने वाली छूट को आंशिक तौर पर और 2.47% यानी 10.9 लाख ने ट्रेन किराए पर मिलने वाली छूट सेवा नहीं ली थी। रेलवे खुद वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को खत्म करना चाहता है। ऐसा करने के पीछे कई तर्क दिए जाते रहे हैं। इनमें से एक ये है कि लोगों को टिकट पर छूट देने के कारण रेलवे को नुकसान होता है। हालांकि चंद्रशेखर की ही दायर एक आरटीआई से पता चला कि रेलवे को 2021-22 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में 113% की ज्यादा कमाई हुई है। इस बीच रेलवे ने लॉकडाउन के दौरान बंद की गई अपनी सेवा को 96% तक बहाल कर दिया है। इसके अलावा ट्रेनों से अब स्पेशल ट्रेन का टैग भी हटाया जा रहा है, जिससे अब यात्री आम किराए पर ही यात्रा कर सकेंगे और लोगों को यात्रा के दौरान पके हुए खाना और रेडी टू ईट मील की सेवा मिलेगी। कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही लोगों को ट्रेन में तकिया और कंबल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। हालांकि भारी आलोचनाओं के बीच भी रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली सेवा को लेकर अब तक चुप्पी साधी हुई है। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।